सब्सक्राइब कीजिए AQTech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों Realme Narzo 20 की जो है हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो आप यहां पर देख सकते हैं इसका बॉक्स जो है कुछ इस तरीके से जो है आपको दिखता है। बॉक्स के साइड में भी यहाँ पर लिखा हुआ है Realme Narzo 20। तो सबसे पहले दोस्तों इस बॉक्स को जो है ओपन कर लेते हैं, देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या मिलता है फ़ोन के साथ में। तो गाइस सबसे पहले फ़ोन को बाहर निकाल लेते हैं, बॉक्स में बाहर निकाल कर इसको जो है हम साइड में रख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर सिम इजेक्टर पिन मिलती है जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है यहाँ पर यूज़र मैनुअल्स हैं और बॉक्स के अंदर यहाँ पर USB टाइप सी केबल आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 वैट का जो है फास्ट चार्जर आपको जो है देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब इन सब चीज़ों को जो है साइड में रखते हैं, बात करते हैं फ़ोन के बारे में। तो यहाँ पर से कवर निकाल लेते हैं फ़ोन के ऊपर से सबसे पहले। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोन जो है कुछ आपको इस तरीके से जो है देखने को मिलता है। दोस्तों फ़ोन का बैक साइड डिज़ाइन जो है वो काफ़ी बढ़िया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इस फ़ोन के बटन एंड पोर्ट्स के बारे में। तो आप यहां पर देख सकते हैं 3.5mm जैक और यहां पर बाजू एक माइक्रोफोन है और USB टाइप सी पोर्ट है और उसके बाजू में यहां पर आपको एक स्पीकर जो है देखने को मिलता है। फ़ोन के राइट साइड में आपको एक पावर बटन और एक वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन भी जो है देखने को मिलता है। और फ़ोन के लेफ्ट साइड में आपको जो है सिम कार्ड ट्रे यहां पर देखने को मिलता है, जिसमें आप दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। अगर फ़ोन के बैक साइड की बात करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी जो है देखने को मिलता है। दोस्तों आप यहाँ पर फ़ोन का टच परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, काफ़ी स्मूथ है। तो अब बात करते हैं फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो आपको 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले मिलती है। अगर आप यहां पर इसके बेजल्स देखेंगे तो आपको 88.7 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और साथ में वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। बात करते हैं डिस्प्ले रेजोल्यूशन की, तो आपको जो है 1600x720 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिल जाता है। और बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो आपको जो है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। बैक कैमरे की बात करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर 3 कैमरे देखने को मिलते हैं। एक है 48 मेगापिक्सल का कैमरा अपर्चर 1.8 और एक आपको जो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है अपर्चर 2.3 और आपको 2 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिलता है अपर्चर है 2.4। बैटरी की अगर बात करेंगे तो आपको 6000mAh की बैटरी देखने को मिलती है और प्रोसेसर है मीडियाटेक हीलियो G85 का। रैम और स्टोरेज की अगर बात करेंगे तो आपको 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज आती है और यहां पर एक और वेरिएंट है दोस्तों, आपको 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज भी जो है मिल जाता है। अब बात करते हैं OS की, तो आपको जो है Android 10 देखने को मिलता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।